हाय, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है श्वेता सिंह और मैं आपको लेकर चल रही हूँ दृष्टिकोण के अगले एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, दृष्टिकोण जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में, उन बातों के बारे में जिन बातों के बारे में अमूमन हम जिक्र नहीं किया करते। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्रभु श्री राम के बारे में, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई कैसे पूरा भारतवर्ष एक साथ राममय हो गया। उन्होंने हमें एक बार फिर से याद दिलाया कि क्या है मर्यादा, किस तरीके से हमें हमारा जीवन किसी भी परिस्थिति में चलाना चाहिए। और एक और चीज़ जो प्रभु श्री राम ने हमें जोड़ते हुए दी है वो है हमारी संस्कृति। उन्होंने याद दिलाया हमें हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी हर उस चीज़ के बारे में जो शायद आज इस भागदौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। इसी बात को आगे ले जाने के लिए हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही खास मेहमान से। मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता जी का, जो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं और आज दृष्टिकोण के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी, आपने मुझे यहाँ बुला के बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से मैं सोच रहा था कि कब आपके पॉडकास्ट पे आऊं और अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि पूरा देश इस समय राममय हो गया है, तो आपको और सभी देशवासियों को राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो ठीक है, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो सुनील जी, और हमारी काफ़ी बहुत लंबे समय की मुलाकात नहीं है और हमारी जो दोस्ती हुई है उसको हम वर्ष कितने हुए हैं उससे शायद अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा हाथ और इसका बहुत बड़ा योगदान जो है, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी भाषा का है। बहुत ही मामूली सी एक मुलाकात पार्किंग लॉट में और एक छोटी सी बात से हमने बात शुरू करी और वो बात आज एक बहुत अच्छे संबंध तक आ गई है। इसका पूरा क्रेडिट, पूरा योगदान मैं देना चाहूँगी हिंदी भाषा को। यही हमारी बात का आज का विषय है। यहीं पे मैं जानना चाहूँगी सुनील कुमार जी के दृष्टिकोण, उनकी बातें, उनके जज्बात कि हिंदी भाषा आज हमारे लिए क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या रह गई है और हम कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं, क्या मानना है आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले संस्कृत का एक श्लोक मैं दोहराना चाहूँगा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अर्थ हैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो मेरा मानना है कि जैसे माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता, तो ऐसे ही हमारी संस्कृति और हमारी भाषा और हमारे अपने संस्कार, इनका स्थान कोई और नहीं ले सकता। तो हम हिंदी भाषा पर चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हिंदी भाषा को तवज्जो, हम कहेंगे कि इसकी जो स्थान है, इसका जो स्थान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हमें उसको संभाल कर रखना है, उसको संजो कर रखना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें श्वेता जी? तो ये कोशिश है हमारी एक छोटी सी, जहाँ पे हम एक बार फिर से हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है ये तो हम अभी नहीं कह सकते, पर इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम यहाँ पे करना चाहते हैं, एक छोटी सी कोशिश इनफैक्ट सुनील कुमार जी के माध्यम से हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि जो बहुत कुछ थोड़ा पीछे रह गया है उसे एक बार फिर से हाथ पकड़ के आगे तक लेके आने की ज़रूरत है। तो क्या सुनील जी, आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आज हम जो काम की भाग दौड़ में, मतलब 95% हमारा टाइम जो जाता है हमारे काम में ही जाता है, तो क्या काम की भाग दौड़ में, प्रोफेशनल करियर की जर्नी में कहीं ऐसा हुआ है कि ये भाषा कंस्ट्रेंट बनी हो? जैसे इंग्लिश का आजकल बोलबाला है और इंग्लिश ही एक प्रेफर्ड लैंग्वेज मानी जाती है और हमें जज किया जाता है और हमारे इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है इस दौर में आपने महसूस किया हो कि हमारी मातृभाषा कहीं पीछे रह गई और हमें इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा सहारा लेना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि कंस्ट्रेंट तो हुआ है, नो डाउट, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता तो शायद मैं जहाँ आज जॉब कर रहा हूँ तो वो नहीं कर पाता। तो भले ही मेरी शुरुआत की जितनी भी पढ़ाई है वो सब हिंदी में रही हो, लेकिन आज हम ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं, तो इसमें अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे
तो शायद हमें एक बेहतरीन या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी किसी भाषा का हमें निरादर करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हुए एक एक कनेक्ट बना के रखना है, तो वो हम अपनी भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एक बात यहाँ पे आई है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कनेक्ट की, कनेक्ट, एक बॉन्ड, एक रिश्ता, एक बंधन, और इसमें बहुत बहुत खास रोल है हमारी भाषा का। और अगर हम हिंदुस्तानियों की बात करें कि हम भारत देश में रहने वाले लोग, हम तो हैं ही जज्बातों के लोग। हमारी बातें, और आई थिंक हमारा जो पहला ट्रेट है, हमारा जो पहला गुण है, वो ये है कि हम तो दिल वाले लोग हैं और दिल से बात करते हैं, भावों से बात करते हैं। तो भावों की अभिव्यक्ति में हिंदी का क्या स्थान है, क्या सक्षमता है, और इंग्लिश का क्या स्थान है, क्या सक्षमता आपके पर्सपेक्टिव से, आपके दृष्टिकोण से है, और आप कैसा इसे महसूस करते हैं? बिल्कुल, आपने भावनाओं की बात की, आपने भावनाओं की बात की। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात को किसी तक पहुंचाना चाहता हूं, तो उसमें दो चीज़ें हैं कि या तो सिर्फ आप कह रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला उस चीज़ को सुनने के साथ साथ महसूस भी करे, तो भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब उसमें हमारी हिंदी भाषा हमें ये सिखाती है कि आप किसी से कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि अगर हम किसी बहुत पुराने मित्र से मिलें, और अगर वो छोटी मोटी हम जैसे गालियों के साथ साथ कई बार बातें करते हैं, अगर वो एक छोटी सी गाली एक हिंदी में हमें देता है, तो हमें हमें उन्हीं पुरानी यादों में हम खो जाते हैं जो हम स्कूल के टाइम में हम जिया करते गालियों से स्कूल की यादें जुड़ी हैं आपकी, इसे ऐसा मानना थे। चाहिए। नहीं, देखो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गालियों के साथ वो जो दोस्तों की जो गालियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, वो जो कंफर्ट हमें फील कराती हैं, जो हमें वो जोड़ के रखती हैं कि हाँ यही है मेरा दोस्त। अगर वही गालियाँ अगर वो इंग्लिश में देगा, तो मुझे लगेगा कि शायद हम उतने कनेक्टेड अब हैं ही नहीं सारा जितने बुरा जितने भी मुझे पहले लगता है उसको, अगर उस थे। भाषा में बोला जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल, वो ज़्यादा बुरा भी लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बात जैसे कि सुनील जी बता रहे हैं, बहुत उसी बात को आगे ले जाते हुए मैं कहूंगी कि अगर हम अपने दोस्तों से या किसी से ये कह दें कि यार आई कांट मेक इट टुडे, आई एम रियली टायर्ड, आई कांट मेक इट टुडे, मुझे ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा खुद का दृष्टिकोण है, ये हम जानेंगे सुनील जैसे कि वो क्या महसूस करते हैं इस बारे में। और किसी से हम ये कहें कि अरे यार आज बहुत थक गया हूँ, आज नहीं हो पाएगा यार, समझ जाना यार, तू तो समझ ही सकता है ना यार, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा नज़दीक हमारे पहुँचता है, और बहुत ज़्यादा काबिलियत, बहुत ज़्यादा सक्षमता उस भावनाओं में है जब हम उसको हिंदी में बात करते हैं। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि उसका उसका एक देखो एक तो चीज़ है कि भाषा एक बैरियर है या एक प्रोफिशिएंसी के साथ हमको उसको दिखाना है। तो मैं उदाहरण लेना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कोविड के टाइम पे थाली बजाने का और दीपक जलाने का अनुरोध किया था पूरे भारतवासियों से। तो उसमें उसमें एक सबसे बड़ा योगदान हमारी भाषा का भी था कि अगर वो हिंदी भाषा में शायद ये अगर अनुरोध ना करते, तो शायद उतना कनेक्ट हम पूरे भारतवासी भी ना कर पाते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भाषा के माध्यम से जोड़ा, और हमने उसको हमें लगा कि हाँ हम एक हैं, हम भारतवासी एक हैं, और हमने कोविड जैसी महामारी को भी बहुत ही सहज तरीके से उस पर विजय प्राप्त की। वाकई बिल्कुल सही कहा आपने। एक और बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें अभी रिसेंटली ही बताई कि उन्होंने कहा कि हमें दिए जलाने हैं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, और पूरे भारतवर्ष ने एक साथ एक बार फिर से दिवाली मनाई। आई थिंक यही जादू, यही सक्षमता, यही परिवर्तन है जो हिंदी भाषा हमें लेके आती है। तो बात तो है कुछ इस भाषा में भी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में भी। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, मैं इसमें एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि हम 140 करोड़ भारतीय जब एक अनुरोध पर थालियाँ बजा सकते हैं, दिए जला सकते हैं, तो फिर अपनी हिंदी भाषा को क्यों नहीं ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं? तो इसमें हम 140 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं है, सिर्फ एक आबादी नहीं है, ये एक उभरती हुई शक्ति है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी पे आ जाएं, तो फिर क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक छोटा सा कदम हो सकता है, एक छोटा सा प्रयास हमारा हो सकता है, पर जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ी सक्षमता हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में और हमारे देश के नेतृत्व में है, जो आई एम श्योर एक इस प्रयास को आगे ले जा सकती है।
तो इसी बात से हम ये भी जानना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है हमारे प्रोफेशनली करियर में, या कहीं हमारी सोसाइटी का इसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा है कि हमें हमारी भाषा से कहीं थोड़ा सा दूर लेके जाने के लिए हमारा ही हाथ पकड़ के, कॉलर पकड़ के हमें घसीट के वहाँ तक ले जाया गया है जहाँ पे हम इंग्लिश बोलने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे हमारी इंटरव्यूज़ हों या हमारी कहीं पोटेंशियल पे जज करने, अगर आप किसी से आज कहें कि सर क्या मैं इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूँ, तो वहीं पे आपको जज कर लिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। तो भाषा सिर्फ एक माध्यम होना चाहिए अपनी बात कहने का, आपकी पोटेंशियल को जज करने का नहीं। इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राउडली इंटरनेशनल बोर्ड्स में एडमिशन कराते हैं जहाँ पे हिंदी बोलना अलाउड ही नहीं है। तो कहाँ हम अपनी मातृभाषा को ले जा रहे हैं, ये एक सवाल है। क्या आपने कहीं ऐसा देखा है अपने आसपास? जी बिल्कुल, यही आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम होना चाहिए कि आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन आज ये एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है कि जो अच्छी इंग्लिश बोलेगा या बस वही आगे जा पाएगा। लेकिन हमें अपनी भाषा को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, तो हमें हमें उसको प्राउडली ये अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हमारे जो भारत के रूट्स हैं, जो हमारे रूट्स हैं, उनके साथ कैसे हमें जुड़े रहना है। बिल्कुल सही। कभी ऐसा हुआ है प्रोफेशनल करियर में, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कहीं भाषा के कारण कहीं ना कहीं कोई हिंड्रेंस या कोई बाउंड्रीज ऐसी हमारे बीच में आई हो, या कहीं हम कहीं हंसी का पात्र बन गए हो? क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, आप एक बार बताइए कभी ऐसा हुआ है, फिर मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही सही वाक्या। जी बिल्कुल, अमूमन ऐसा होता ही है, क्योंकि मैं एक वाक्य आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूँ कि जब जो मेरी पहली जॉब थी, तो मैं बैंगलोर में था एक्चुअली। तो जो मेरी पहली जॉब थी, तो उसमें एक तो पहली जॉब की झिझक, दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि उस टाइम इतनी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी भी नहीं थी। लेकिन लेकिन मुझे जो लेकिन मुझे जो मेंटोर असाइन हो गए थे, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। अब मैं उनसे कनेक्ट करने में या नई चीज़ें सीखने में जितना टाइम ले पा रहा था, तो उतना मुझे नहीं लगना चाहिए था आइडियली, राइट। तो उसमें अचानक से फिर कुछ दिन बाद कुछ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि एक हिंदी बोलने वाला एक सीनियर मुझसे टकराया, और जब मैं उससे अपने आप को जोड़ पाया, तो मैं दुगनी या तिगनी रफ्तार से वो चीज़ें सीख पाया। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि भाषा जो है वो बहुत बड़ा योगदान अपना देती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अपनत्व भी है इस भाषा में। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अपनों से आप बड़ा खुल के बात कर सकते हैं और अपनों से आप अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। आई थिंक यही रिश्ता है हमारा इस भाषा के साथ, इसीलिए शायद इसे मातृभाषा कहा जाता है। तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं जॉब करना शुरू किया तो मुझसे किसी ने पूछा वहाँ पे आके मेरे वर्क प्लेस पे कि वेयर इज़ द कॉर्नर। तो मुझे इतना नहीं पता था कि कॉर्नर हम यूटिलिटीज के लिए भी यूज करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला एवरीवेयर वेयर एवर यू सी देयर इज कॉर्नर, देयर इज कॉर्नर हियर। बट इट वाज अ वेरी फनी मोमेंट, मेरे सीनियर ने मुझे कोनी मारी और कहा कि वो वॉशरूम के लिए पूछ रहे हैं। तो दैट वाज अ फनी इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। सो इस तरीके से देखिए लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करती है दो लोगों के बीच में, बातें करने में, बातें समझने में। तो सुनील जी, ये तो बात रही हमारे प्रोफेशनल हिंड्रेंसेस की और कैसे काम करने के दौरान हमने क्या क्या फेस किया। अब आ जाते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पर, बात करते हैं थोड़े जज्बातों की। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस, बहुत ही लव्ड और मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक, हम बात करते हैं शादी के बारे में। ये एक ऐसा विषय है, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि 140 करोड़ की आबादी में भी आप उन दो लोगों को पहचान सकते हैं जो शादीशुदा हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो जरा बताइए किस तरीके से, क्या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? जी बिल्कुल, अरेंज मैरिज है, प्योर अरेंज मैरिज। और आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है कि कुछ ऐसा मत पूछ लेना कि घर जाके खाना ही ना मिले। अरे नहीं, इसकी स्वतंत्रता मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप क्या इस विषय में कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि खाना कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो आप बताइए हमारे लिसनर्स को कि आपकी अरेंज मैरिज है या शुद्ध लव मैरिज है, या किस तरीके से आपकी बात शुरू हुई, क्या क्या बात हुई? जी मेरी शुद्ध अरेंज मैरिज है। जैसे कि मैं राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपके साथ एक वाक्या शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार अपनी
अपनी पत्नी को देखने गया था शादी से पहले, तो उस दिन मतलब उससे पहले बायोडाटा आ जाता है अपने यहाँ, राइट। तो बायोडाटा में लिखा हुआ था कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से बीए किया हुआ है। तो मैं पहली बार जब मिलने गया तो मुझे अंदर से बड़ी झिझक थी कि मैं इतना इंग्लिश तो बोल नहीं पाता हूँ, तो कैसे मैं उनसे पहली बार बातें करूँगा। तो उन्होंने जब बात शुरू की तो वो हिंदी में की, तो मुझे इतना अच्छा लगा और हम शायद पहली मुलाकात में ही उतना अच्छे से कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से, इतना एक दूसरे को, शायद बहुत ही छोटी मुलाकात थी लेकिन हम एक दूसरे को समझ गए शायद। तो आप देखिए कि उसी दिन हमारा रोका भी हो गया और आज हम साथ में हैं। क्या बात है, मतलब पहली मुलाकात में आपने तो मैच पूरा फिक्स कर दिया और विनिंग विक्ट्री वहाँ पे आपने दर्ज की, बहुत बहुत खूबसूरत। आई थिंक इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितना सहज और कितना सरल हो जाता है जब ये भाषा हमारे बीच में जुड़ जाती है, कितना आसान एक बंधन जो शायद एक मिनट की बात से ज़िंदगी भर का सफ़र बन जाता है। यही खूबसूरती है इस भाषा की, यही खूबसूरती है इन जज्बातों की अभिव्यक्ति की। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस भाषा को हम आगे लेकर जाएं अपने आसपास के लोगों से। हाँ, हो सकता है कि आज ग्लोबल प्रेफरेंस हमारी इंग्लिश हो सकती है, लेकिन हम अपने बच्चों से इतना तो कह पाएं कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और इसे भूले नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। हमें अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को यही सिखाना चाहिए कि एक तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग अलग रखें, और हमें अपनी जड़ों से नहीं दूर जाना है, भली वो भाषा हो, देश हो, संस्कार हो या परंपराएं हो। तो इस बात के साथ और इसी गुजारिश के साथ, हिंदी का और हमारा जो रिश्ता है, जो प्यार है, जो इश्क है, उसे दो लाइंस में मैं कुछ यूं बयां करना चाहूंगी कि मुद्दतों बैठे रहे तेरे एहसास के साथ, मुद्दतों बैठे रहे हम तेरे एहसास के साथ, दूर के दूर रहे और पास के पास। तो दूरी है थोड़ी सी लेकिन पास हम तुम्हारे ही रहे, ये लाइंस मैं अपनी हिंदी भाषा के लिए आज डेडिकेट करना चाहती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच सुनील जी इस शो पे आने के लिए, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और अपना दृष्टिकोण शेयर किया, थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं यहाँ आया, लेकिन सीरियसली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो वेरी मच एक बार फिर से हमें सुनने के लिए। मैं भी थोड़ा प्रयासरत हूँ कि मैं अपनी जो ये 80-20 और 60-40 वाली हिंदी और इंग्लिश के जो मेरे डायलॉग्स निकलते हैं उसको कैसे मैं पूर्णतः हिंदी में लेकर जाऊँ। इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम जल्द ही लौटेंगे एक और बातचीत के साथ, एक और पहलू के साथ और एक और किसी नए दृष्टिकोण के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।